आज हम लोग बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो मैं इसके थ्रू मेरा पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस बताता हूँ। जितना अच्छा अच्छा होगा वो भी बताऊँगा, जो बुरा फंस गया वो भी बताऊँगा, लेकिन फिलहाल अभी अच्छा है वो चीज़ बताता हूँ। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? जनरली आपको मालूम होगा, लड़की लोग सब कॉकरोच देख के डरते हैं ना, चूहा देखे तो सब डरेंगे ही, और सांप वगैरह देखे डरते हैं, राइट? ऐसा भाई, एनी वे सामने आएगा तभी मालूम पड़ेगा। पर्टिकुलरली एक बार मेरे घर फर्स्ट फ्लोर में है, लेकिन पता नहीं वहाँ पे कैसे एक चूहा आ गया, छोटा सा चूहा आ गया अंदर। तो किचन में कहीं घूम रहा था मैं, हाल में बैठ के नीचे बैठ के खाना खा रहा था, तो इतने में मेरी वाइफ चिल्लाई कि अरे चूहा आया, चूहा ना क्या? हाँ, तो इतना चिल्ला रहे थे तो चूहा इसको देख के डर गया और ये उसको देख के डर गई, दोनों ऐसा हो गया। वो भाग के हाल में आ गया, हाल में मैं बैठ के खाना खा रहा हूँ एकदम दरवाजे के बाजू में, तो सीधा आया तो मैं नीचे बैठ के खाना खा रहा हूँ, तो मेरा पैर के नीचे आके बैठ गया। उसको पता नहीं कि वो सीधा आके मेरे पैर के नीचे बैठ गया, मैं खाना खा रहा हूँ। तो वो भाग के बाहर आ गई, बोले कि अरे चूहा आया इधर। हाँ मालूम है, किधर आया? बोला इधर ही आया। इधर किधर? मेरे पैर के नीचे है, मैं बैठा हूँ, मेरे जिससे नीचे बैठा हूँ उसके अंदर है। तो बोली नहीं तुम ऐसा कैसे बोल रहे हो यार, वो बाहर गया होगा। नहीं नहीं मेरे पैर के अंदर है। कैसे? देखो अभी, ऐसा करके मैंने पैर उठाया तो वहाँ से भाग गया वो। तो दो चीज़ हुआ इसमें, उसको बहुत बुरा भी लगा अच्छा भी लगा, बहुत शॉकिंग था। बोले कि यार एक चूहा आ गया, तुम डरे नहीं? बोला मुझे वो मुझे काटने के लिए नहीं आया, वो डर के आके किधर चिपने के लिए आया। तो मैं बोला ठीक है रहने दो, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो तुम्हारा एक थोड़ा भी डर नहीं है? बोला इसमें क्या डरने का, वो थोड़ा सा चिल्लाने का नहीं, तो भाग गया। और उसने बोले ही, उसका रिएक्शन कुछ अलग था, बोले कल मेरा कुछ हो गया तो भी तुम्हारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अलग तू सीधा बोले हाँ अभी हो गया खत्म, अभी नेक्स्ट क्या करना है, राइट? ऐसे बोलेगा तो ऐसे ही होगा। हाँ अभी, अरे यार जो हो गया उसके आगे क्या है वही करना है ना, रोने धोने से कुछ होता है क्या? वो गया आदमी वापस आ सकता है क्या? नहीं ना। तो एनीवे तो इतना कठोर मुझे एक उन्होंने फील दिया कि तुम ऐसा कैसा हो। ये सही है गलत है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि कोई चीज़ें आप कुछ नहीं कर सकते हो, या उससे इतना खतरा नहीं है। आपने मेरा पुराना वीडियो देखा रहेगा, जो बंदर मेरा पैर मेरा बाल खींचता है, इन्हों काटने की कोशिश करता है, मैं उसको छोड़ दिया, वो जो भी करता है करने दो करके। इतना है कि डरना नहीं, इमोशनल स्टेबिलिटी होना चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंट होना चाहिए, जो चीखना चिल्लाना ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। जहाँ पे ज़रूरत है क्या करना चाहिए बिल्कुल वो सोचना चाहिए, इस तरह का चीज़ें। तो ये मेरा एक एग्जाम्पल था। तो आपके साथ जब भी कुछ भी होता है शॉक मत हो जाएगा, डरना नहीं, चिल्लाना नहीं, पैनिक नहीं हो जाना है, उस समय क्या करना है वो इमीडिएट आपको करना है। सो दिस इज जस्ट एग्जाम्पल, होप दिस विल बी हेल्पफुल टू यू। आपको भी हर जगह पे जब भी शॉक होता है डरना नहीं, अड़े रहना। थैंक यू।